नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, अभी हाल ही में जो है ESP के द्वारा एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो है वो सत्रकालीन चल रहा है, तो सदन में जो है वो काफ़ी बहस हो रही है हर एक मुद्दे पर, और इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से कहा गया था कि हर एक हफ्ते जो है एक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो देखते हैं इसमें कितनी क्या सच्चाई है। फिलहाल ये दूसरा रिजल्ट है, और यह रिजल्ट जो स्टाफ नर्स है, आप देखोगे यहाँ पर जो ग्रुप 5 का था, जिसमें स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सक, क्षेत्र अधिकारी और अदर जो पोस्ट थी बैकलॉग वाली थी, तो इनका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको सीधा अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और बाकी के जो आधार कार्ड के डिजिट हो गए और मदर्स के 2 लेटर नेम के जो है यहाँ पर डालना रहेगा, और ये चीज़ें आगे भी देखने को मिलेंगी मुझे लगता है, क्योंकि और यहाँ पर देखिए टॉपरों की बात की जाए तो इसमें मैं देखना चाहूँगा कि टॉपर में क्या कैसा देखने को मिल रहा है। देखिए कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए ये कट ऑफ की लिस्ट है जिसमें मेरिट कट ऑफ दिया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो SC के फीमेल ओपन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है 64.54, और इसमें कट ऑफ जो है वो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी का दे सकते हो, OBC कैटेगरी का दे सकते हो, ये सारे कट ऑफ जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं इनके द्वारा। बाकी अलग अलग विभागों में अलग अलग कट ऑफ के देखने को मिल रहा है, तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो PB की साइट से भी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा टॉप 10 की लिस्ट, टॉप 10 में जो है वो कौन कौन देखने को मिल रहा है और कितने हाईएस्ट मार्क हैं, नंबर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं किसके, तो वो भी हम देख लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जल्दी बाकी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं वो भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपर हैं, जैसे कि यहाँ पर रतलाम, भोपाल, जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर, सागर, और सबसे जो हाईएस्ट मार्क हैं ये हैं हेमलता, ठीक है, मकवाना, और 76.92 OBC कैटेगरी, देन उसके बाद जो है वो आरती 76.59 OBC कैटेगरी। तो OBC के टॉप फोर में देखने को मिल रहे हैं, और बाकी के ST कैटेगरी से OBC, EWS और OBC और अनरिजर्व कैटेगरी का 10th नंबर है शिल्पी। तो CD, डॉली, दीपाली, महिमा, तो आप टॉप 10 में लिस्ट देख रहे हो, इसमें लड़कियां सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जैसे कि राम रूप। अब राम रूप ये सेल्फी लड़की है, शादी जैन ये भी लड़की होगी, डॉली होगी, दीपाली होगी, महिमा होगी, बिस्मिल्ला वानो, तो ये भी आप देखोगे लड़की ही है, एंड पूनम, आरती और हेमलता। तो टॉप 10 में टॉप 9 जो है वो ये है, टॉप 9 जो देख रहे हो आप लड़कियों की लिस्ट है, जिसमें OBC के सबसे ज़्यादा कैटेगरी है। तो ये टॉप 10 की लिस्ट है, आने वाले समय में देखते हैं क्या कैसा और बाकी परीक्षाएं हैं उनकी भी रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्रुप 4 होगी, फॉरेस्ट गार्ड होगी। देखिए फॉरेस्ट गार्ड की सबसे पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक उसका हमें देखने को नहीं मिला है कि कब क्या रिजल्ट आना है। आप देखोगे यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रुप 5, तो पहले इसका जारी हुआ था ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, ग्रुप 2, सब ग्रुप 1 का, और उसके बाद आप देखोगे जो स्टाफ 5 है, जो ग्रुप 5 है उसका जो एग्ज़ाम हुआ था जून और जुलाई में हुआ था, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक हुआ था इसका रिजल्ट जारी नहीं किया है इन्होंने। तो ये कुछ इनकी रणनीति समझ में नहीं आ रही है कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब जो पहले परीक्षाएं होती हैं उनके रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, और लेकिन जो बाद में हुई हैं उनके जारी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाकी के कितने क्या और चीज़ों के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप 4 बचा हुआ है, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड हो गया इनका बचा हुआ है, और पटवारी की रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी क्या कैसा क्लीन चिट मिलती है, क्योंकि वो हमें न्यूज़ में ही देखने को मिला था, न्यूज़ के माध्यम से ही पता पड़ा था। जब तक ऑफिशियल चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं तब तक अभी कुछ भी कहना कहा नहीं जा सकता है। तो ये है, आई होप जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ग्रुप 5 में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आने वाले आपके जीवन के लिए, और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो यही शुभकामना करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट इतने संघर्ष के बाद ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और जिसको ये नौकरी जो लगती है सरकारी नौकरी लगती है वो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, वो वही समझ सकता है जिस परिस्थिति से वो गुजरता है, और उसके बाद ये चीज़ें मिलती हैं तो आनंद ही एक
अपार होता है ये चीज़ें। तो सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।